हेलो, तो वेलकम बैक टू बीजीएम गेमर्स न्यू स्ट्रीम। कैसे हैं आप सब? तो देख लिया जा भाई, यहाँ पर 100 बंदे पूरे ज्वाइन हुए थे रूम में। देख लिया जा भाई, किसी ने चुरन तो नहीं खाया? फिर काफी सारे बंदे भाई चुरन खा लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता लोगों का। तो देख लिया जा भाई यहाँ पर, जी नहीं भाई भाई पूरे यहाँ कोई चूरन का असर नहीं हुआ आज तो, पूरे 100 बंदे हैं यार। बिल्कुल भाई, वो 10,000 रुपए काम कर रहे हैं जो मैं उन्हें दे के आया था चुरन वालों की। पूरी तरह से भाई उन्होंने कोई घपला नहीं किया अब तक, वरना भाई काफी सारे धोखेबाज हो चुके हैं आजकल। काम कर रहे हैं भाई चुरन वाले पैसे बिल्कुल। और भाई देख लिया जाए, यहाँ पर काफी अच्छी भाई यहाँ पर टीमें आ चुकी हैं, किल शॉट की टीम आ चुकी है आई थिंक। और भाई देख लिया जाए यहाँ पर भाई आयरन जोकर प्रिंस ऑनवर के साथ, जो कि प्रिंस की टीम के साथ आज मैच हो चुके हैं, क्या ही बात है भाई। मोजो टू भाई की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। एमरियानो भाई नंबर वाले भाई साहब को क्या ही परेशानी है भाई। प्लीज भाई एक बार यार कमेंट में नाम बता दो भाई, आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाएंगे भाई हम। नाम हमें पता चल गया, उनका नाम है लाल साहब। तो भाई लाल ही हो रखे हैं तो भाई प्लेन पाथ की बात करें तो प्रीमोस की तरफ से स्टालबर की तरफ जाता हुआ, बीच में काफी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन, तो लाल साहब को भी भाई देखा जाएगा आज। लाल साहब मतलब क्या ही बात है, कतई लाल हो रखे हैं लोग ने। यहाँ पर जावेद भाई भाई की टीम आई, रिंगल का पूरा मैप लाल कर देंगे वो। बिल्कुल भाई, तो 19th century के भी बंदे भाई यहाँ पर आए हैं, बिलाल भाई। और भाई डार्क की पूरी टीम आई है यहाँ पर, और आरएक्स की पूरी टीम आई है किल शॉट की टीम के साथ आज। किल शॉट खान भाई मार्वल दादा के साथ मैच आज, क्या ही बात है। वैसे देख लिया जाए बहुत ही बढ़िया। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए वुल्फ भाई की टीम आई है, अवेंजर भाई की टीम आई है, बहुत सारी टीम भाई यहाँ पर आ चुकी है। किल शॉट की पूरी टीम आई है, स्टार हुसैन भाई आज इनके साथ है, जो कि भाई एक टीम मेंबर इनके साथ अलग है, दो टीम मेंबर भाई इनके साथ अलग है। AWM भाई जो कि मूजर टू भाई की टीम से मेंबर है, वो भी इनके साथ है। प्रीमोस की तरफ दो स्क्वाड उतर चुकी है भाई, कुएरी की तरफ एक स्क्वाड जाती हुई टीम नंबर टू, और किल शॉट मैग्नेट की टीम को सभी जानते हैं, प्रीमो पोचंकी जाती हुई तीन स्क्वाड भाई उतर चुकी है पोचंकी। SGFZ भाई किसी और के साथ मैच है, टीम 5 के साथ मैच है। और भाई किल शॉट की टीम पूरी टीम 23 के साथ मैच हो चुकी है, तो भाई मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा घपला हो चुका है टीम के साथ। और भाई यहाँ पर जॉर्जो की तरफ दो स्क्वाड जाती हुई, जॉर्जो सिटी की तरफ एक स्क्वाड जाती हुई भाई, जॉर्जो अपार्टमेंट्स की तरफ अवेंजर थोड़ा भाई स्क्वाड जाती हुई, बहुत ही सारे स्क्वाड उतर चुके हैं भाई। फार्म की तरफ दो स्क्वाड उतर चुके हैं, टीम 13 और टीम 8, और भाई टीम 12 और टीम 25 में भाई एक ही जगह उतर चुके हैं लगभग। मिलिट्री बेस की तरफ भाई दो स्क्वाड बढ़ती हुई, एक स्क्वाड भाई टीम 18 जो गाड़ी लेकर आ रही है, और भाई टीम 11 भी यहाँ पर जा चुकी है भाई वहीं पर। और भाई देख लिया जाए याशाना की तरफ एक स्क्वाड उतर चुकी है, शिवानी की तरफ दो स्क्वाड उतर चुकी है भाई, और स्टॉलबर की तरफ दो स्क्वाड उतर चुकी है भाई। देखना ये होगा सबसे पहली फाइट कहाँ पर होती है, आई थिंक आई एम जोकर और भाई और की फाइट हो सकती है टीम नंबर 14 के साथ, क्योंकि कंटेनर के ऊपर दोनों की लूट मिलती है। मौत वैसे भाई की टीम सामने, और भाई दोनों ही टीमें आमने सामने की स्क्वाड भाई, जिसको पहले गन मिलेगी वो शायद आई थिंक आमने सामने वाले के साथ फाइट कर सकता है। प्रिंस की टीम यहाँ पर उतर चुकी है भाई, और भाई मौत हो गए जो की टीम नंबर 1 और टीम नंबर भाई यहाँ पर देखिए एबीजी सैम भाई यहाँ पर माज भाई सॉरी एबीजी माज भाई यहाँ पर किसी का नॉक कर चुके हैं, एबीजी माज भाई स्क्वाड टीम नंबर 25। तो भाई ने भी देख लिया जाए यहाँ पर भाई एक बंदे को पूरी तरह से 19th century लोगन भाई वहाँ पर मुबारक भाई, यहाँ पर सोनू किलर भाई मुबारक भाई को पूरा फिनिश कर चुके हैं भाई। यहीं पर भी फाइट चली हुई है टीम 25 के बीच फाइट चली हुई भाई, डेजर्ट ईगल से एबीजी माज भाई वहाँ पर स्प्रे देते हुए यहाँ पर, सहाना किंग भाई 77 भाई भी यहीं पर है भाई, टीम नंबर 8 के मेंबर को यहाँ पर काफी अच्छा स्प्रे देते हुए भाई, और टीम नंबर 25 के मेंबर देखे भाई वहाँ पर रश करते हुए आई थिंक सिर्फ उनके पास भाई क्या ही बताएं आपको, डेजर्ट ईगल है। और भाई यहाँ पर स्टारबर की तरफ फाइट हो चुकी है टीम नंबर 7 और टीम नंबर 25 की, आई थिंक भाई यहाँ पर देख लिया जाए भाई प्रिंस जो कि भाई मेरे ख्याल से वहीं पर टीम नंबर 25 की फाइट हो रही थी वहीं पर आई थिंक मैंने देखा था, या फिर हो सकता है जॉर्जो की तरफ देखा, तो एक बार जांच लिया जाए भाई मैंने कहाँ पर देखा था इन्हें। यहाँ पर 19th century बिलाल टीम नंबर 8 के मेंबर एक मेंबर नॉक पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा फिनिश कर, दो मेंबर यहाँ पर नॉक कर चुके हैं भाई यहाँ पर। प्रिंस सरबाज भाई यहाँ पर दो मेंबर नॉक कर चुके हैं, 19th century लोगों ने अकेले बचाए थे अपनी टीम से, एक मेंबर उनके और बचे हुए हैं जो कि भाई काफी दूर है उनसे, तो भाई मुझे नहीं लगता वहां पर बचा पाएंगे यहाँ पर 19th century लोगों ने। देख लिया जाए भाई क्या ही कर पाता है, उनके पास सिर्फ थॉम्सन है और साथ में शॉट गन है, तो भाई ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। प्रिंस भाई अरबाज भाई उनकी तरफ बढ़ते हुए, प्रिंस अरबाज भाई को पूरी तरह से नॉक कर चुके हैं वहां पर, उनके टीम मेट्स पीछे से आते हुए भाई वहां पर नॉक कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ताहिर भाई 77 क्या ही बात है भाई, तलवार से नॉक करते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया भाई, टीम 25 के बाद तलवार से नॉक कर गए उन्हें, मेरे ख्याल से फुस्टैप नहीं आया यहाँ पर 19th century लोगों को।
बड़े इजीली वहां पर नॉक कर गए, लेकिन भाई प्रिंस सरफराज और ताहिर 77 वहां पर नॉक पड़े हैं, क्योंकि टीम मेंबर एक टीम मेंबर बैक साइड से आ चुके हैं भाई। एबीजी के बाकी मेंबर कहां है भाई, उन्हें देख लिया जाए भाई, एक मेंबर होंगे जो कि बचे हुए हैं, उमर भाई वहां पर बचे हुए हैं। उमर भाई काफी दूर भाई अपनी टीम से, बहुत ही गलत बात, मेरे ख्याल से अपनी टीम मेंबर की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन भाई उनके पास कोई गन नहीं है, तो अपने टीम मेंबर्स के पास जाना बेवकूफी होगी बिल्कुल भाई। वो पहले गन ढूंढने आए, लेकिन उनके सभी टीम मेट्स यहाँ पर खत्म हो चुके होंगे। टीम नंबर 24 की फाइट हो चुकी है वहां पर, टीम नंबर 24 के यहाँ पर सादिक भाई यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं, उनके गेमर मुदस्सर भाई भी नॉक पड़े हुए हैं, यहाँ पर आदिल भाई बचे हैं, और भाई देख ले जाए आदिल भाई अकेले बचे हैं, क्या ही कर पाते हैं सामने मेरे ख्याल से एक स्क्वाड, लेकिन भाई उनकी स्क्वाड के मेंबर के ऊपर भाई यहाँ पर आदिल भाई अपना जलवा दिखा चुके हैं। आदिल भाई इन्होंने आई थिंक फिनिश कर दिया, अपनी स्क्वाड को बचाना चाहेंगे, यहाँ पर आदिल भाई अपनी स्क्वाड के पास आ चुके हैं, उन्हें बड़े इजीली रिवाइव दिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। किल शॉट मैग्नेट ने भाई यहाँ पर देखिए गेमर मुदस्सर भाई को दोबारा से नॉक कर दिया है, यहाँ पर किल शॉट मैग्नेट अकेले बचे हुए हैं यहाँ पर अपनी स्क्वाड से, बाकी स्क्वाड इनकी थोड़ी अलग है भाई इनसे, बाकी किल शॉट अगर ज्यादा दूर नहीं है भाई, वैसे काफी करीब है, पर फिर भी भाई दो ही टीममेट्स है, बाकी दो टीममेट्स को पता नहीं कहां पर गए हुए हैं। जावेद अर्जे भाई यहाँ, आरजे भाई यहाँ पर भी हैं, जो कि टीम नंबर 5 के मेंबर हैं, वो भी भाई यहीं पर हैं, और भाई यहाँ पर गेमर मुदस्सर भाई रिवाइव बड़े इजीली हो चुके हैं, सादिक भाई को यहाँ रिवाइव मिल रहा है, वो भी बड़े इजीली आई थिंक रिवाइव हो जाएंगे, लेकिन किल शॉट मैग्नेट की टीम वहाँ पर नेड करती हुई बड़े इजीली, और भाई उनकी तरफ भी नेड आ सकते हैं, आई थिंक दो ही टीम मेंबर्स है, बाकी टीम मेंबर्स को देख लिया है किल शॉट मैग्नेट के, दो टीम मेंबर्स भाई इनके मर चुके हैं, डब्ल्यूएम और भाई स्टार हुसैन भाई यहाँ पर मर चुके हैं, और किल शॉट अजर भाई पहले से ही ऑफलाइन है, तो किल शॉट मैग्नेट भाई यहाँ पर अकेले हैं सामने 1v3 का मामला, और वाइल्ड भाई यहाँ पर वाइल्ड वुल्फ भाई की जो कि टीम नंबर 14 है यहाँ पर, वाइल्ड वुल्फ भाई की टीम स्क्वाड यहाँ पर रश हो चुकी है, प्रिंस और की टीम के साथ वहाँ पर फाइट हो चुकी है, यहाँ पर प्रिंस विलन भाई नॉक पड़े हैं, प्रिंस मोइन भाई उनकी तरफ आए हैं, आई एम जोकर भाई वाइल्ड बर्ड की तरफ यहाँ पर आते हुए, नावेज भाई नॉक हो चुके हैं, जो कि 1 HP बचे थे वहां पर, उन्हें का नॉक होना बनता था यहाँ पर, वाइल्ड बर्थ भाई भी 1 HP बचे हैं, वाइल्ड बर्थ भाई यहाँ पर नॉक हो चुका है, प्रिंस सोनू पीछे से मौत हुए आते हुए भाई यहाँ पर, और भाई देख लिया जाए यहाँ पर क्या ही हो सकता है भाई, आलसी वाला भाई क्या ही बातें यहाँ पर, ये भी आ चुके हैं भाई, प्रिंस मोइन भाई वहां पर 1 HP, प्रिंस मोइन भाई नॉक हो चुके हैं, मोहतो वैस भाई वहां पर नॉक हो चुके हैं, सामने 1v1 और भाई स्कोर पूरी खत्म, तो भाई यहां पर प्रिंस की स्कोर पूरी तरह से सेफ होती है, प्रिंस की स्कोर बड़े इजीली भाई यहां पर बच सकती है, बड़े इजीली भाई उन्हें रिवाइव मिलेगा। टीम 15 भाई अपार्टमेंट्स की तरफ भाई यहां पर शिवानी की तरफ एक नजर डाल ली जाए, की टीम 15 की तरफ है भाई, और भाई सोनू किलर भाई और की वहां पर फाइट हो चुकी है, तो भाई इनकी फाइट देख ली जाए कहां पर इनकी फाइट हो चुकी है, तो भाई यहां पर अलाउद्दीन एजेंट जो कि टीम नंबर 16 है इनकी तरफ यहां पर फाइट हो चुकी है, सोनू किलर भाई ने एक बंदे को नॉक किया सामने, डेविल इमरान भाई ने दूसरे बंदे यहाँ पर नॉक कर चुका है, जो कि टीम नंबर 9 के मेंबर हैं उनको बड़े इजीली नॉक कर चुका है, सोनू भाई पूरा ही फिनिश किया गया है यहाँ पर, डेविल इमरान अपने तरफ से पूरे फिनिश होते हुए, एबीजी भाई यहाँ पर किलर ने किसी को नॉक किया, तो भाई वहां पर भी देख लिया ऐसे भाई यहाँ पर एबीजी सल्लू भाई यहाँ पर नॉक हो चुका है, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, जो टीम नंबर 11 के मेंबर थे भाई वहां पर टीम मेंबर्स को बड़े इजीली बचाते हुए, रोवा भाई यहाँ पर पूरी तरह से मर चुके हैं भाई, दो टीम मेंबर्स इनके नॉक पड़े थे जिनको बड़े इजीली रिवाइव दे चुके हैं भाई, वापस से टीम नंबर 16 की तरफ चला जाए, टीम नंबर 16 काफी अच्छा भाई वहाँ पर टीम नंबर 9 की तरफ रश करती हुई भाई, सामने सल्लू सॉरी सोनू किलर भाई और भाई इरफान जीरो किंग, इरफान 00 किंग भाई वहां पर है, तो भाई देख ले जाए इन्हें भी, और भाई शाकिब भाई भी यहीं पर हैं, तो भाई देख ले जाए 2v4 कमाऊंगा, अलाउद्दीन है भाई सामने से रश करते हुए, ओपन से रश किया, लेकिन भाई सोनू किलर ने उन्हें वहां पूरी तरह से भाई नॉक कर दिया गया है, पूरी तरह से फिनिश करने की कोशिश पूरी तरह से फिनिश किया गया, और भाई यहाँ पर उनके आखिरी मेंबर को भाई नेड गया, लेकिन नेड भाई बिल्कुल फालतू, तो भाई नेड को कोई फायदा नहीं हुआ, अगर दोबारा से नेड करते हैं तो भाई थोड़ा कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि वो उसी जगह पर बैठे हुए हैं भाई, एक जगह पर टीपीपी ले रहे हैं भाई वहां पर, दबंग भाई यहाँ पर दबंग फतेह, तो भाई देख ले जाए यहाँ पर काफी अच्छी भाई यहाँ पर टीपीपी लेते हुए, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता वहां पर 1v3 कर पाएंगे, तो भाई किसी और स्क्वाड की तरफ भी एक बार नजर डाल ली जाए, कहीं और फाइट ना हो रही हो तो, वरना बाद में बंदे कनेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारी फाइट को नहीं दिखाया गया, तो भाई देख ले जाए यहाँ पर टीम 24 की भाई टीम 25 के साथ फाइट हो चुकी है, और भाई पीछे से टीम 23 भी आ चुकी है, तो भाई दोनों की फाइट भाई लगभग आरंभ हो चुकी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो चुकी है, यहाँ पर पूरी तरह फंस चुकी है टीम नंबर 24, यहाँ पर डार्क सोनू भाई एक बंदे को नॉक करते हुए डार्क सोनू भाई की तरफ चला जाए, जो कि भाई टीम नंबर 12 के 17 के मेंबर आए थे, टीम नंबर 17 से भाई एक बंदे को नॉक किया गया वहां पर, और यहाँ पर देखने जा भाई टीम नंबर 17 से भाई टीम नंबर 10 के एक मेंबर को पूरी तरह से आज खत्म किया गया है, जी नहीं भाई डार्क की तरफ से एक मेंबर को खत्म किया गया था, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए कौन खत्म हुए थे यहाँ पर, सोलो गणेश भाई यहाँ पर खत्म हो चुका है टीम नंबर 17 के मेंबर, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए टीम नंबर 10 मेरे ख्याल से पूरी तरह से बीच का कवर लेती हुई ऊपर से, तो भाई यहाँ पर गेमर मुदस्सर भाई आज जावेद सॉरी यहाँ पर प्रेमोस की तरफ भी फाइट होती हुई टीम नंबर 16 की, और वहां पर मेरे ख्याल से पूरी स्क्वाड को फिनिश कर चुके हैं भाई, जी हाँ बड़े इजीली भाई, क्योंकि 1v3 का मामला था वहां पर,
दबंग फते भाई यहाँ पर थे तो भाई वन वी थ्री का मामला बिल्कुल नहीं चलता भाई। वन वी थ्री ज्यादा ज्यादा दो बंदों को नॉक कर लेंगे लेकिन तीसरा बंदा भाई मार ही जाएगा क्योंकि दो बंदे इतने नौबड़े नहीं कि एक बुलेट टच ना कर सके। भाई टीम नंबर फाइव के एक मेंबर नॉक पड़े हुए हैं वहाँ पर, जावेद आरज भाई वहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं भाई, उन्हें बड़े इजिली यहाँ पर रिवाइव मिल चुका है। यहाँ पर हाइपर भाई किलशॉट मैग्नेट टीम से वो भी इन्हीं की तरफ है टीम नंबर फाइव की तरफ, और भाई टीम नंबर फाइव पूरी तरह से भाई यहाँ पर उतरी हुई है कोचिंग की तरफ उतरी हुई है। किल शॉट अजर काफी लो हो चुका है, वहाँ पर किल शॉट अजर को देखा जाए भाई वो ऑनलाइन तो भाई काफी अच्छी बात है। यहाँ पर गेमर दस्तर भाई ने यहाँ पर अभय भाई को नॉक करते हुए यहाँ पर और शादी भाई अभय भाई को पूरी तरह से फिनिश करते हुए, तो भाई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई यहाँ पर, पूरी तरह से भाई एक बंदे को नॉक और फिनिश किया गया है, बिल्कुल भी भाई देरी नहीं की गई है। यहाँ पर टीम नंबर 24 की तरफ से भाई मेरे ख्याल से टीम नंबर 5 के मेंबर को पूरी तरह से नॉक और फिनिश किया गया है। सामने भाई दोनों आमने सामने वाले खड़े हो घरों में भाई टीपी भी लेते हुए, लेकिन एसजी अफजर भाई काफी चालाकी से काम लेते हुए स्कोर हाउस की तरफ टीपी भी लेते हुए वहां से बड़े इजीली भाई वहां पर मार सकते हैं वहां पर, और जावेद आरजे भाई वहां पर अच्छे से काफी लो हो चुके हैं वहां पर, 10 एचपी बचे हैं लिटरली, कभी भी भाई मार सकते हैं वहां पर एक बुलेट और भाई जावेद आरजे भाई यहां पर नॉक हो सकते हैं। और भाई देख लिया जाए हाइटर भाई यहाँ पर इनके साथ टवर देने के लिए इनके बचे हुए हैं जो उनकी एचपी काफी लो है, लोड है डार्क भाई यहाँ पर रश हो चुका है जो कि टीम नंबर 17 के मेंबर, टीम नंबर 17 के वहाँ पर हाइट रखते हैं, नंबर 10 के वहाँ पर टीम नंबर 17 के मेंबर और वहाँ पर खत्म हो चुके हैं जो कि भाई सोलो डेंजर थे जो कि भाई एक ही टीम से थे सोलो गणेश और सोलो डेंजर को कुछ समय में खत्म कर दिया जा चुका है। यहाँ पर रसूल दो महीने और प्रोबेशाल को भाई नॉक करते हुए, तो प्रोबेशाल भाई की तरफ जरूर चला जाए, प्रोबेशाल भाई देखा जाए कहाँ पर फाइट होती है भाई ये यहाँ पर प्रोबेशाल भाई की टीम नंबर 19 है, टीम नंबर 19 की तरफ फाइट होती है, टीम नंबर मैं थ्री के एक मेंबर ने जो कि रसूल डॉन भाई है वहाँ पर प्रोबेट शॉट को नॉक कर सकते हैं जो कि पहले ख्याल से बड़े इजीली होने वाले के भाई को रिवाइव मिल सकता है, उन्हें रिवाइव मिल चुका है भाई। सामने मौजूद हो भाई की टीम और नौ मंत्री मालिक सलमान सेवन रसूल डॉन भाई इनके साथ वो एमजी डॉन भी है, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए काफी फाइट यहाँ पर कर सकते टीम नंबर जो भी जो थ्री शॉट मैनेट भाई ने वहाँ पर किया दोस्तों भाई को भाई यहाँ पर किया दोस्तों भाई यहाँ पर और भाई यहाँ पर जावेद आरजे भाई यहाँ पर जो कि आई सी एफ जो किल शॉट मैग्नेट की तरफ टीम में टेन के साथ आए हुए हैं, और भाई नंबर वाले भाई साहब ने एस के एस गेमिंग को यहाँ पर पूरा एस एस टीम को यहाँ पर पूरा फिश किया गया, और भाई आई एन जी भाई को भी एक को पूरा आई एन जी रोकी भाई जो कि लिखा हुआ है उन्होंने उन्हें भी पूरा फिश किया गया। नंबर वाले भाई साहब की तरफ जरूर चला गया, नंबर वाले भाई साहब काफी अच्छे चले हैं, तीन नंबर भाई यहाँ पर 19 फाइट होती है उन्हीं के साथ हैं भाई यहाँ पर, जी हाँ उन्हीं के साथ हैं यहाँ पर रविंदर भाई नौ खड़े हुए हैं उनके और आशफ भाई यहाँ पर नौ पड़े हैं, और भाई देख लिया जाए उनके नंबर को तो भाई यहाँ पर नंबर वाले भाई का भाई नंबर नौ मर्सी मलिक भाई यहाँ पर नौ पड़े हुए हैं, नौ मर्सी मलिक भाई और सलमान सवन शाह भाई यहाँ पर नौ पड़े हुए हैं, तो भाई काफ़ी अच्छी यहाँ पर फाइट चलने वाली है। यहाँ पर मोजू तो भाई अगले बचे आई कंप्लीटली मर्सी रिवाइव दे चुके हैं वहाँ पर, हर तो भाई को पूरी तरह खत्म किया जा चुका है, अर्जे जो कि जावेद आरजे भाई को वहाँ पर कोई चांस नहीं किया जा चुका है, दिल छोड़ अजहर की तरफ से दिल छोड़ अजहर भाई काफ़ी अच्छी खेलते हुए वहाँ पर, और भाई उनकी टीम से सिर्फ एस डी एफ जेड बचे हुए हैं जो कि टीम नंबर फाइव के मेंबर वहाँ पर अकेले मेंबर बचे हुए हैं, दो मेंबर देख लिया भाई क्या कर रहे हैं, आई टीम ऑफलाइन है भाई वहाँ पर थ्रोन पर चुके हैं क्योंकि भाई वो किल शॉट के टीम के साथ ज़्यादा खेलते हैं भाई, आई टीम ऑफलाइन हो चुके हैं तो वहाँ पर बड़े इसलिए भाई थ्रोन पर रखे हैं या उन्हें कुछ काम आ जाओ वहाँ पर, तो किल शॉट की मैं टीम के मेंबर की एक तरफ नॉक पड़े हुए थे उन्हें नहीं भाई यहाँ पर नॉक पड़े हैं उनके टीम मेंबर एस डी एफ जेड वहाँ पर पहले से भाई ऑफलाइन है तो भाई वहाँ पर कोई देखने का मतलब नहीं रखता है यहाँ पर, और भाई यहाँ पर टीम नंबर 19 को देख लिया जाए जो टीम नंबर 3 के काफ़ी करीब है भाई, और भाई जल्दी से जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें यार भाई, 1000 सब्सक्राइबर का वादा हुआ था तक आप लोगों के पास सब्सक्राइबर नहीं कराए हैं भाई, अब तक सिर्फ 349 सब्सक्राइबर हुए हैं तो भाई कोई फायदा नहीं है भाई, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर का वादा था भाई, अब तक कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, एक महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर का वादा था, 500 सब्सक्राइबर अब तक होने चाहिए भाई, क्यों नहीं हुए अब तक, तो भाई फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, अभी के अभी भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फटाफट से भाई सब्सक्राइबर बढ़ाएं यार, 1000 सब्सक्राइबर नहीं कि जितनी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर हमारे करेंगे उतनी जल्दी हम रॉयल बास्टर गिवअवे रखेंगे भाई, रॉयल बास्टर गिवअवे होगा जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसी दिन, तो भाई फटाफट से जल्दी भाई फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करें, उसमें आप ही का फ़ायदा है भाई, हमारा तो कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होने वाला, तो इसीलिए भाई फटाफट से सब्सक्राइब करें और आपको रॉयल बास्टर गिवअवे हमारी तरफ जरूर देखेंगे लेने जगह, डार्क भाई यहाँ पर रश हो चुका है तो डार्क भाई की स्कोर को देख लिया जाए तो भाई पहुँच गया टीम नंबर 10 और टीम नंबर 17 के बीच यहाँ पर फाइट हो चुकी है, डार्क बहुत भाई ने वहाँ पर आर एक्स को वहाँ पर एक बंदे को नॉक किया वहाँ पर भाई, यहाँ पर देख लिया जाए आर एक्स एक मेंबर नॉक किया यहाँ पर, एवरी टाइम शार्क भाई आई थिंक अकेले बचे हो तो भाई इनको देख लिया जाए, जी हाँ अकेले बचे हो भाई सामने टीम नंबर
टेन के भाई पूरे जाना बचना हो भाई, आप प्रो भी शॉट भाई यहाँ पर थर्ड या प्रो भी शॉट भाई थर्ड को देख लिया भाई, कहीं पर हो रही थी जहाँ मैंने दिखाई था तीन नंबर जो कि उन्नीस का भाई उनकी फाइट हो चुकी है वहाँ पर, मुझे टूट यहाँ पर अकेले बचे हैं मुझे तो भाई उनको देख लिया जाए प्रो भी शॉट भाई यहाँ पर मर मुझे तो एक नंबर सुनो भाई ने वहाँ पर अच्छा भाई एक अंदर ले और भाई मुझे तो भाई को बड़े इजिली भाई ले गए तो भी शायद बड़े इजिली हो एम टू तो अंदर जो है मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई यहाँ पर। और टीम तेज तरफ भाई क्या ही बात करें, वहाँ पर तो टीम नहीं बची है, टीम नंबर फाइव के एक नंबर जो कि वहाँ पर बचे हैं वहाँ वो पहले से योग है। और भाई देख लिया जाए टीम नंबर 25 के एक मेंबर जो कि ए बी जी भाई यहाँ पर ए बी जी उमर भाई अकेले ही घूम रहे हैं पास भाई MP45 और भाई भ्रष्ट गन है। और भाई उनके सामने टीम नंबर 8 के मेंबर हैं, दो मेंबर वहाँ पर बचे हुए हैं 19 लोगों ने। और भाई देख ले जाए उनको टीम नंबर 8 मेंबर बड़े इजली फिनिश कर सकते हैं अगर वो ओपन सन की तरफ जाते हैं। और भाई पूछ चुके हैं आई थिंक उन्हें नहीं पता, जी हाँ ए बी जी उमर भाई इन्होंने स्पोर्ट कर लिया एक बंदे को वहाँ पर नॉक करते हुए, 19 लोगों ने अकेले बचे हुए भाई वहाँ पर बड़े इजली वहाँ पर। तो भाई देख लिया बने ही मन का मामला यहाँ पर काफी अच्छा, यहाँ पर नवीन भाई नॉक हो चुके हैं तो नवीन भाई और की फाइट जरूर देखी जाए, उनकी फाइट हम जरूर देखेंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए टीम नंबर 10 की तरफ भाई फाइट हो चुकी है, टीम नंबर 10 की तरफ टीम नंबर 1 आ चुकी है भाई, क्या ही बात है टीम नंबर 10 की टीम नंबर 1 की तरफ भाई फाइट हो चुकी है। ए बी जी उमर भाई ने वहाँ पर एक बंदे को पूरा फिनिश किया है, यहाँ पर सहाना सिंह भाई ने एक बंदे को नॉक करते हुए। तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए और टीम नंबर 20 के भी वहाँ पर फाइट होती है नवीन भाई उसकी, वहाँ पर नवीन भाई नॉक पड़े हुए थे तो भाई वहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ नवीन भाई वहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। सामने भाई एक नंबर वहाँ पर बचे हुए हैं जो कि टीम नंबर सहाना टीम 13 नंबर मेंबर्स के वहाँ पर बचे हुए हैं, तो वहाँ पर भी भाई फाइट डाली है बनी बनता मामला। तो भाई वहाँ पर देख लीजिए टीम नंबर 20 वहाँ की जिन्होंने की सहाना टीम भाई वहाँ पर सहाना टीम 17 बड़ी हुई वहाँ पर फिनिश करके वापस से टीम नंबर 17 की तरफ चला जाए 17 की तरफ चला जाए वहाँ पर 19 लोगों भाई वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, नहीं 19 लोगों भाई यहाँ पर नहीं है तो कहीं पर और पर हैं। तो भाई यहाँ की साइड हम जल्दी क्योंकि तीन पार्टी आपस में लड़ रही है, 19 लोगन भाई की भी हमने अभी फाइट दिखाई थी आई थिंक वहाँ पर देखते हैं भाई ने हम जरूर दिखाएंगे। फिलहाल भाई यहाँ पर देख लीजिए नेड़म नेड़ी का माहौल चला हुआ है यहाँ पर, भाई यहाँ पर देख लीजिए एविडेंस है भाई यहाँ पर टीम नंबर 10 के ऊपर नेड़ करते हुए। और भाई टीम नंबर 1 जो कि प्रिंस विलन और प्रिंस पॉइंट भाई यहाँ पर बड़े दिन भाई ऊपर ले जा सकते हैं, प्रिंस दोनों भाई पर ऐसे प्लान कर सकते हैं एक तरफ तो भाई वो भी आई थिंक पीछे से वहाँ पर रश कर सकते हैं, डार्क वाइट पर थोड़े एक साथ आ चुके हैं एविडेंस भाई वहाँ पर नेड कर सकते हैं, अगर इस टाइम वहाँ पर नेड करते हैं तो एक ही नंबर लेकिन नेट का नहीं बिल्कुल कुछ नहीं। वहाँ पर टीम नंबर 10 भाई बिल्कुल पूरी तरह सेफ निकलती हुई है, बड़ी सही चला चुकी है वहाँ पर गाड़ी लेकर निकल चुकी है, मेरे ख्याल से वेयर हाउस की तरफ जा रही है जो कि रोजोक का भाई वहाँ पर वेयर हाउस है वहाँ पर जा चुकी है, जो कि तीन घर रोजोक के मोस्ट फेमस घर जहाँ पर हर कोड उतरना चाहती है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी लोड मिलती है तो उन कोड के एक जो वहाँ पर उन घरों पर उतर चुकी है तीन घरों पर। और भाई यहाँ पर प्रिंस की स्कोड वहाँ पर आ चुकी है, प्रिंस वहाँ और आया जो पर भाई सीधा उनकी तरफ बढ़ते हुए एविडेंस शार्क भाई यहाँ पर अकेले बचे हैं। तो भाई देखते जाए इन्हें भी प्रिंस गिलन और भाई प्रिंस मोहन भाई ने बड़ी इंजन खत्म कर दी है, लेकिन भाई यहाँ पर डार्क हॉर्स की तरफ से प्रिंस गिलन भाई यहाँ पर नौ पत्ते और उन्हें भाई वहाँ पर बड़ी इंजन भाई फिनिश कर सकते हैं उन्हें, जी हाँ डार्क हॉर्स की तरफ से भाई उन्हें दिया गया था। यहाँ पर प्रिंस मोहन भाई यहाँ पर 10 एच पी बचे हैं लिटरली वन बुलेट अगर उन्हें बचती है तो भाई वहाँ पर खत्म हो सकती है, लेकिन भाई इसका बड़ा अच्छा कवर मिल चुका है उन्हें तो भाई बड़े इजीली वहाँ पर अब टीममेट्स को रिवाइव दे सकते हैं। तो भाई देख लिया जाए बड़े इजीली अपने टीममेट्स को रिवाइव दे सकते हैं भाई, और यहाँ पर सिर्फ बैंडेजों का सहारा भाई बैंडेजों के सहारे से यहाँ पर जिंदा हुए हैं। और भाई इनके टीममेट्स के पास भी सिर्फ 5 बैंडेज, ज़्यादा कुछ हीलिंग नहीं है भाई, तो भाई यहाँ पर सिर्फ बैंडेज से काम चलाना पड़ेगा। टीम नंबर 10 भाई पूरी तरह से ड्रॉप की तरफ जाते हुए ड्रॉप लौटने के लिए, लेकिन भाई वहाँ पर क्या नाम था वैसे आलू भाई इनका नाम भूल गया मैंने, लाल साहब भूल गए थे लाल साहब भाई की वहाँ पर टीम ड्रॉप का रंग भी लाल है तो भाई लाल ही लाल हो रखे हैं, तो लाल भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ सकती है, क्या लाल भाई को गाड़ी चढ़ा कर लाल ही कर दिया गया है बिल्कुल भाई का सही, गाड़ी चढ़ा चढ़ा कर उन्हें लाल कर दिया गया है। तो भाई यहाँ पर देखते जाए और क्रिकेट मैन ने वहाँ पर फिनिश कर दिया गया क्योंकि भाई ऑफलाइन प्लेयर थे वहाँ पर, भाई लाल साहब भाई पूरी तरह से खतरे और भाई पूरी तरह से फिनिश होती हुई लगभग उनके दो तीनों मेंबर नौ हो चुके हैं। एमरियान भाई को देख लिया जाए यहीं पर है मेरे ख्याल से, एमरियान भाई भी 1v3 नहीं कर पाएंगे, जी हाँ एमरियान भाई की टीम यहाँ पर लाल साहब भाई की पूरी टीम यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो लाल साहब भाई आपका शुक्रिया आपने हमें अपना नाम बताने का कष्ट किया, क्योंकि भाई आपको इतने दिन हो गए थे हम आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करा रहे थे, वैसे काफी अच्छा लेकिन भाई आपको बिल्कुल लाल बना दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर, इनका नाम ढूंढना मुश्किल ही नामुमकिन हो गया था भाई बिल्कुल भाई, आखिरकार इनका नाम हमें मिल ही गया
बिल्कुल भाई, मतलब इतने दिन हो गए थे ना, नाम ही नहीं बताने पे आ रहे थे, क्योंकि भाई इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अपने नाम कर रहे थे भाई, हम सिर्फ नाम पूछ रहे थे। एविडेंस शाहरुख भाई के ऊपर यहाँ पर रश हो सकता है टीम नंबर वन का, टीम नंबर वन भाई यहाँ पर काफी करीब, लेकिन एविडेंस शाहरुख भाई के ऊपर नेट गया है और भाई शेख के ऊपर प्रिंस सोनू भाई, उन्हें बड़े प्रिंस विलन भाई, लेकिन नहीं भाई प्रिंस सोनू भाई जाती हो गए प्रिंस सोनू के भाई के साथ, प्रिंस सोनू भाई ने काफी डैमेज किया था, लेकिन प्रिंस विलन भाई वहाँ पर एक बुलेट मारकर अपना वहाँ पर किल चुरा गए अपने टीममेट को। भाई ऐसे टाइम पे जितनी गाली अपने टीममेट के लिए निकलती हैं उससे तो खैर क्या ही बताएं हम आपके लिए, कमी है भाई, अगर आपके डैमेज दिया और आपका टीममेट एक गोली मारकर किल ले जाए तो भाई बहुत ज़्यादा गालियाँ निकलती हैं मुझसे, तो भाई क्या ही बात करें हम उनकी, छोड़ो खैर। काफी अच्छा वैसे यहाँ पर प्रदर्शन भाई, टीम कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, फील्ड शॉट मैग्नेट टीम का काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर चला हुआ है, तो देखा जाए भाई इस टीम के मैच के विनर कौन हो सकते हैं भाई, 14 टीम में अब तक अलाइव है और भाई 43 बंदे अलाइव, तो भाई देख लिया जाए भाई यहाँ पर 14 टीम है और 43 बंदे, तो भाई देख लिया जाए किसकी फाइट यहाँ पर हो सकती है, टीम नंबर 9 की टीम नंबर 8 के साथ फाइट हो सकती है, इरफान 00 इरफान 100 किंग भाई यहाँ पर आई थिंक टीम नंबर 9 किंग मेंबर की तरफ प्रेरित हुआ, वहाँ पर 19 सेंचुरी लोगन जो कि काफी लो हो चुके थे अभी अभी उन्होंने जस्ट फील किया है, और भाई अकेले बच्चे हुए आई थिंक वहाँ पर कवर लेके खड़े हो रखे हैं वहाँ पर नेट करने का प्रयास 19 सेंचुरी लोगन की तरफ से, भाई उन्होंने नेट किया गया तो नेट भी परफेक्ट लग रहा था मुझे, लेकिन नहीं भाई सामने भी भाई वहाँ पर काफी अच्छा भाई कवर लेते हुए, तो भाई उस कवर के पीछे नेट आया है, तो भाई ज्यादा 19 सेंचुरी लोगों को भाई क्या ही सोनू किलर की तरफ से ओम का फटका पड़ा है भाई, ओम के फटके यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले भाई, बहुत ही बढ़िया भाई यहाँ पर वाइट ड्रॉप की तरफ फाइट हो चुकी है टीम नंबर भाई यहाँ पर 11 और टीम नंबर 19 की दोनों टीम वाइट ड्रॉप की तरफ आ चुके हैं यहाँ पर, और टीम नंबर 2 भी भाई ज्यादा दूर नहीं है भाई क्या ही बात है, दोनों ही टीमें काफी करीब भाई ज्यादा दूर नहीं है दोनों ही टीमें, दोनों ही टीम भाई जो कि प्रोबीर शाह भाई की टीम है ओ एन जी कौन, और साइड में भाई RX और RX10 की टीम भाई यहाँ पर, और रो भाई यहाँ पर मर चुके हैं जो कि इनके साथ खेलते हैं भाई बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और इनके एक टीम मेंबर्स नहीं आए जिनका नाम मैं कुछ बोल रहा हूँ RX ही उनका नाम कुछ है, तो भाई काफी अच्छा खेलते हैं वो भी, और भाई यहाँ पर OMG डॉन ड्रॉप लूटने बड़ी इजीली जाते हुए और मेरे ख्याल से उनके ऊपर स्प्रे आ सकते हैं यहाँ पर, और भाई देखते हैं ड्रॉप के अंदर क्या था वहाँ पर, ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि उन्होंने कुछ उठाया नहीं, आई थिंक DDS वगैरह आई होगी, तो भाई एक बार देख लिया जाए क्या आया था ड्रॉप में भाई, AWM नहीं उठाई यहाँ पर क्या ही बात है, OMG डॉन भाई AWM छोड़ गए, इतना मतलब पति हार्ड वाला वेपन छोड़ गए यहाँ पर, इतना हार्ड वेपन कैसे छोड़ गए भाई मुझे समझ नहीं आया, उसके बाद स्नाइपर में ज़्यादा मास्टरी नहीं है इसीलिए वो वहाँ पर नहीं चलाते, और 1HP मोजो भाई यहाँ पर आते हुए भाई टीम नंबर 2 के अकेले मेंबर मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे वहाँ पर 1v3, तो कोई फायदा नहीं है वहाँ पर, OMG डॉन और भाई प्रोबीर शाह भाई की टीम के चारों मेंबर अब तक लाइव हैं, मैं यहाँ पर भी देख लिया 13 टीम के अलावा एक टीम भाई और बाकी है यहाँ पर, टीम नंबर 20 के आई टीम नंबर 12 की तरफ फाइट हो चुकी है यहाँ पर, टीम नंबर भाई 20 की काफ़ी क्लोज आ चुके हैं टीम नंबर 12 के मेंबर, जो कि भाई काफ़ी गलत हो सकता है उनके साथ भाई, परवीन भाई यहाँ पर आई एंड परवीन भाई यहाँ पर काफी करीब आ चुके हैं भाई टीम नंबर 12 के, भाई मेजर ने लड़का बने पिक कर पाएंगे, तो वापस से भाई देखिए INDZ जावेद भाई ने वहाँ पर किसी को नॉक किया, INDZ जावेद भाई टीम की तरफ चला जाए, INDZ जावेद भाई की टीम काफी अच्छी खेल रही, तो भाई देखिए INDZ जावेद भाई की टीम नंबर 15 है जो कि टीम नंबर 9 के एक मेंबर भाई नॉक कर चुके हैं, टीम नंबर 9 के एक मेंबर को वहाँ पर नॉक कर चुका है प्रिंस सोनू, तो वहाँ पर सोनू किलर भाई यहाँ पर नॉक पड़े हैं, और भाई 100 किंग भाई यहाँ पर उनके ऊपर भाई अपने टीममेट्स को भाई आए हम जोकर को बड़ी इजीली बचा लेंगे भाई वहाँ पर, क्योंकि प्रिंस सोनू और भाई प्रिंस किलर ने यहाँ पर काफी अच्छा भाई वहाँ पर अपने टीममेट्स को बचाते हुए, लेकिन भाई किल शॉट हजारो किल शॉट मैगनेट अपने थर्ड पार्टी के लिए आ चुके हैं वहाँ पर साइड में, लेकिन भाई 1v4 का मामला है 2v4 का मामला है, लेकिन काफी अच्छा खेलते हैं किल शॉट की टीम और किल शॉट हजारो किल शॉट मैगनेट काफी अच्छा खेलते हैं भाई दोनों ही टीममेट, काफी अच्छा है टीम का कवर है भाई दोनों का ही, तो भाई इनकी टीम की तरफ भी हम जरूर आएंगे, फिलहाल कहीं और की फाइट इंजॉय की जाए, मेरे ख्याल से पैंडमाइंड की तरफ फाइट हो सकती है जो कि टीम नंबर 11 और टीम नंबर 2 के बीच आई थिंक फाइट हो सकती है, और भाई टीम नंबर 19 भी ज्यादा दूर नहीं है इनसे, तो भाई देखे जाए यहाँ पर RS को भाई टीम नंबर 2 के एक मेंबर भाई टीम वापस प्रे देते हुए, टीम नंबर 2 के अकेले मेंबर बचे हैं, तो भाई मुझे लगता है वहाँ पर बच पाएंगे,
भाई देखे जाए भाई यहाँ पर टीम मेंबर 19 के मेंबर भाई यहाँ पर रश कर सकते हैं, किसी ऑप्शन थर्ड पार्टी कर सकते हैं। तो वहाँ पर नेड किया गया भाई, बिल्कुल परफेक्ट नेड ही लग रहा है मेरे को इस हिसाब से। जी हाँ, नेड बिल्कुल परफेक्ट था भाई, काफ़ी लो हो चुके हैं नेट से, ज़्यादा लो तो नहीं, लिटरली उनकी 10 HP घट चुकी है वहाँ पर एक नेट से। और भाई वो सीढ़ियों पर जाकर वहाँ पर हील करते हुए, तो वहाँ पर भाई नेट का नहीं ऊपर पर कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर नेट जा ही नहीं तो साइड हिसाब से भाई, अगर सामने खड़े होकर वहाँ पर नेट किया जाए तो जा सकता है, अदरवाइज अगर कोई साइड वाली बिल्डिंग से नेट करे वहाँ पर नेट बिल्कुल नहीं जा सकता। तो भाई देख ले जाए यहाँ पर, मेरे ख्याल से मुझे भाई स्कोड आज नहीं आई थी, काफ़ी अच्छा खेलते हैं मुझे भाई भी, टक्कर अच्छी खासी दे सकते थे, लेकिन उनकी स्कोड आज नहीं आई भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 10 टीम अलाइव और 34 मेंबर, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया भाई यहाँ पर फाइट चल रही है। तो भाई यहाँ पर देख लिया डार्क फोर्स की भाई यहाँ पर फाइट हो चुकी है, टीम नंबर 10 की भाई यहाँ पर टीम नंबर 12 के साथ फाइट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी भाई यहाँ पर फाइट हो चुकी है। और भाई टीम नंबर यहाँ पर एक बंदे को नॉक कर चुके हैं, यहाँ पर डार्क इरफान भाई को यहाँ पर नॉक कर चुके हैं टीम नंबर 12 के। डार्क वुल्फ हार्ट भाई की तरफ से उन्हें रिवाइव दिया जाएगा, बड़े इजीली यहाँ पर बड़े इजीली रिवाइव दे सकते हैं। डार्क जो कि आर एस टप्पू भाई की टीम है वो भी यहीं पर आ चुकी है भाई, बड़े क्लोजिंग कर चुकी है यहाँ पर टीम नंबर 12 के लिए भाई, यहाँ पर मुशक्कत हो चुकी है। मार्बल दादा भाई यहाँ पर काफ़ी करीब है भाई टीम नंबर 11 के, तो भाई उन्हें स्प्रे दिया जा सकता है सामने भाई, बड़े इजीली वहाँ पर नॉक किया गया आर एस टप्पू को मार्बल दादा की तरफ से। तो भाई उनके दो टीम मेंबर भाई यहाँ पर पूरा फिनिश किया गया है भाई, के शॉट खान की तरफ से पूरा फिनिश किया गया उन्हें, और मार्बल दादा वहाँ पर नॉक हो चुके हैं जो कि आर एस खान को यहाँ पर स्प्रे किया गया है, लेकिन भाई स्प्रे बिल्कुल छटकी था, स्प्रे में हक दिया यहाँ पर आर एस खान ने, एक भी गोली भाई स्प्रे की नहीं पड़ी है वहाँ पर। डार्क फोर्स भाई वहाँ पर थर्ड पार्टी करती हुई काफी अच्छी भाई यहाँ पर, आर एस चैन काफी लो हो चुके हैं, ए भी जी सल्लू भाई यहाँ पर नौ हो चुके हैं, ए भी जी सल्लू भाई की टीम को देख लिया जाए यहाँ पर। आर एन किलर भाई काफी लो हो चुके हैं, 10 जो की टीम नंबर 15 के मेंबर है काफी लो हो चुके हैं भाई, 1 HP मुझे की टीम की तरफ से उनकी पूरी टीम अलग है, आई थिंक टीम नंबर 16 की तरफ से उन्हें स्प्रे दिया गया था। काफी अच्छा खेल रही है भाई सभी टीम है भाई, टीम 10 टीम टोटल अलग है, बहुत ही अच्छा खेलती हुई भाई, टीमों का प्रदर्शन काफी अच्छा भाई। जल्दी जल्दी भाई अब तक जो कोई अपनी वीडियो को अब तक भाई देख रहा है तो भाई अभी कभी सब्सक्राइब करें BGM गेमर्स को, जस्ट अभी तुरंत जान और महाकल्याण बिल्कुल भी देरी ना करें भाई, जो लाल बटन है उसे काला करें हमें, क्योंकि लाल कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, उसे अभी कभी काला करें और जस्ट अभी काला करें उसे भाई, लाल कलर पसंद नहीं है भाई हमें बिल्कुल भी। और भाई यहाँ पर अकेले बचे उनकी तरफ स्प्रे आता हुआ, प्रोबीर शाह भाई ने वहाँ पर एक बंदे को जो कि टीम नंबर 2 के मेंबर उसे पूरा फिनिश किया गया, टीम नंबर 2 के मेंबर वैसे भी वहाँ पर अकेले पड़े हुए थे, टीम नंबर 19 की तरफ से मैं पूरा फिनिश किया गया, तो वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है भाई। टीम नंबर 1 की आई थिंक वहाँ पर टीम नंबर 15 के साथ फाइट हो चुकी है, लेकिन टीम नंबर 15 के जो आखिरी वहाँ पर अलग से मेंबर गए थे उन्हें पूरी तरह से फिनिश किया जा चुका है, तो भाई वहाँ पर भी जाकर कोई फायदा नहीं है। लेक्स वाइपर भाई के ऊपर स्प्रे आता हुआ, लेक्स वाइपर को यहाँ पर 2 बुलेट स्पॉट दी हुई, यहाँ पर देखिए किसी तरफ से बुलेट स्पॉट रही थी आई थिंक, यहाँ पर देख लिया भाई हमारे ख्याल से इन्हें टीम नंबर 6 या टीम नंबर 15 की तरफ से भाई बुलेट्स पड़ रही थी वहां पर। आयरन किलर भाई वहां पर एक बंदे को नॉक कर टीम नंबर 1 मेंबर को पूरी तरह से नॉक कर चुका, वहां पर पूरी तरह से फिनिश किया जा चुका भाई आयरन किलर भाई, क्या ही भाई वहां पर बात है भाई, वहां पर 1 HP मजदूर जो कि काफी दूर है इनसे, काफी ज्यादा दूर नहीं है वैसे, रिच पर है पर फिर भी काफी दूर है भाई, अगर वहां पर 1 HP मजदूर वहां पर पहले से ही नॉक खड़े में है भाई। एवेंजर थोर उन्हें एचपी रिवाइव देने के लिए जाएंगे, लेकिन टीम नंबर 19 उनके काफी करीब है, उन पर रश करते टीम नंबर 19 के मेंबर से वहां पर उन्हें खत्म कर दिया भाई। 1 HP मजदूर जो कि भाई प्रिंस और की टीम से वहां पर फिनिश किया जा चुका है काफी पहले भाई उन्हें, लेकिन किल फील्ड अभी दिखा रहा है, तो भाई वहां पर ग्लिच हो चुके हैं सस्ते नशे, बेड़ी फूक कर बैठे हैं पबजी वाले, सिगरेट नहीं जला, तो क्या ही बात है भाई, सस्ते नशे करते हैं पबजी वाले, इतने सस्ते नशे पता नहीं कहाँ से लाते हैं भाई, तो देख लिया जाए यहाँ पर। और भाई आर एक्स एन भाई यहाँ पर अकेले आई थिंक जोन की तरफ चलते हुए, उनके टीम के मेंबर एक टीम मेंबर और बचे हैं जो भाई सस्पेक्ट भाई के नाम से हैं, वो भी भाई उनके वहाँ पर मेरे ख्याल से जोन से ही मर सकते हैं भाई, वो जोन से ही मरेंगे, आर एक्स एन वहाँ पर अकेले बचे हुए भाई, तो आर एक्स एन भाई अकेले हम क्लियर कर सकते हैं, तो भाई उनके टीम एडवांटेज वहाँ पर मर सकते हैं। प्रोविशा भाई उनको फाइट हो चुकी है किल शॉट मैग्नेट के साथ, किल शॉट मैग्नेट ने भाई उनके यहाँ पर 2-3 मेंबर्स को नॉक कर दिया गया है यहाँ पर, लेकिन भाई क्या ही कवर यहाँ पर, क्या ही कवर दिया गया है भाई मार्बल दादा भाई की टीम, लेकिन भाई एवेंजर यहाँ पर प्रोविशा भाई की टीम एक मेंबर नॉक पड़े हुए हैं जो
और मोहन भाई का ओवर है, लेकिन भाई वहां पर नॉक किया गया था एबीजे बिल्लू भाई की तरफ से, वहां पर वापस से उन्हें रिवाइव मिल जाएगा। सामने भाई जुथोर भाई की स्कोर वहां पर स्प्रे देती हुई, टोटल 6 टीमें बची हैं भाई, 18 बंदे, काफी अच्छे भाई यहाँ पर फाइट चल चुकी है, जोन बिल्कुल भाई क्लोज हो चुका है, तो काफी क्लोज आ चुकी है भाई सब स्कोर है लिटरली। तो भाई आज ये वाला मैच देखने लिए काफी रोमांच आएगा भाई इस मैच को देखने में, क्योंकि सब स्कोर भाई रोजोक के अंदर आ चुका है। रोजोक के अंदर प्रो भी शायद भाई ने यहाँ पर एक बंदे को नॉक करते हुए गैंगस्टर नावेद भाई को फॉर्म का फटका पड़ा है, और भाई गैंगस्टर नावेद भाई को पूरा ही फिनिश किया गया है, क्या ही बात है, बहुत बढ़िया वहां पर नॉक किया गया भाई। और सामने भाई स्कोर फाइट लेते हुए मेरे ख्याल से डार्क फोर्स की तरफ से भाई डार्क फोर्स से टीम नॉक किया गया भाई, वहां पर पूरा फिनिश करने की कोशिश, लेकिन भाई पूरा फिनिश नहीं कर पाए वहां पर, और वो एम जूडो भाई काफी क्लोजिंग कर चुका है, थिंक लीडिंग का प्रयास करेंगे वहां पर, टीम नहीं वहां पर डार्क की तरफ पूरी तरह से रश कर चुकी है भाई, डार्क सोन भाई अकेले बचे हैं, मेरे ऊपर आना एक बंदे को वहां पर नॉक कर चुके हैं भाई डार्क सोन भाई, यहाँ पर अवेंजर भाई का नॉक बड़े इजीली कर चुके हैं वहां पर, पूरा फिनिश करने को किया जाएगा, लेकिन भाई वहां पर अवेंजर भाई की टीम से वहां पर ओएमजी डॉन भाई वहां पर फिनिश कर चुके हैं अपने टीममेट्स की तरफ से, अब ये टीममेट्स को काफी अच्छा कवर देते हैं वहां पर, बड़े इजीली बचा लेंगे, और भाई यहां पर अवेंजर सोन भाई यहां पर नॉक हो चुके हैं एबीजी बिल्लू भाई की तरफ से, काफी अच्छी बात है भाई, वहां पर पूरी तरह से फिनिश किया गया उन्हें, नहीं फिनिश सॉरी नॉक किया गया आरएन किलर उन्हें बड़े इजीली भाई रिवाइव दे देगा अवेंजर सोन भाई को, यहां पर टोटल 6 टीमें बची हैं, 14 बंदे लाइक भाई देख लिया जाए, यहाँ पर काफी अच्छा मैच चला हुआ है, इंटरेस्टेड मैच चल रहा है, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए, इतना रशिंग 6 टीमें लाई जाए भाई इतने से जोन में, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं आपको, मतलब जो भी टीम जोन में जाएगी वो मरेगी, आप अरे भाई की टीम का जोन में जाए तो भाई वो टीम वहाँ पर मर सकती है, क्योंकि 33 सेकंड वहाँ पर बचे हुए हैं, आरएन किलर भाई सर्च प्लान करते हैं यहाँ पर, वो भाई देख लिया जाए ओएमजी डॉन की तरफ से आरएन किलर को नॉक किया गया भाई, अवेंजर्स और वहाँ पर अकेले बचे हुए हैं, टीम वहाँ पर रिवाइव करने जाएंगे जी नहीं, टीम नंबर 10 की तरफ से वहां पर डार्क हो, तो डार्क सोन भाई अभी तक जिंदा है वहां पर रश कर चुके हैं भाई, यहां पर टीम नंबर 19 की तरफ भाई वहां पर रश करते हुए नेडम रेडी करी भाई की तरफ से, टीम नंबर 22 के एक बंदे वहां पर नॉक हो चुका है, डार्क सोन भाई अकेले बचे हैं, 1v2 का मामला देखा जा रहा है यहां पर, यहां पर अवेंजर भाई नॉक हो सकते हैं, जिन नहीं अवेंजर भाई ने काफी नॉक किया लॉक किया यहां पर डार्क सोन नॉक पड़े हुए, तो भाई यहाँ पर देख ले जाए उनके अपने मेंबर था उन्हें स्मोक करते हुए, जो की वुल्फ मोइन एबीजी मोइन भाई और यहाँ पर एबीजी बुल्लू भाई वहाँ पर स्मोक करते हुए, लेकिन अपने टीममेट्स को नहीं बचा पाएंगे वहाँ पर, अवेंजर भाई वहां पर पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं, ओएमजी डॉन भाई वहां पर मर चुके हैं आई थिंक, तो भाई आरएक्सएन वहां पर अकेले बचे हुए हैं, तो भाई यहां पर देख लीजिए दो ही टीमें बची हैं, आरएक्सएन वहां पर अकेले और उनके सामने टीम मेंबर एबीजी मोइन एबीजी बिल्लो और भाई वाइल्ड बुल भाई, देख लीजिए यहां पर कर पाएंगे क्या नहीं, यहां पर आरएक्सएन की तरफ वुल्फ मोइन भाई बचे हुए हैं, आरएक्सएन को भाई बड़े इजीली फिनिश किया गया है, जो की देख लीजिए भाई एबीजी की टीम इज विनर, एबीजी टीम भाई कांग्रेचुलेशन भाई, देख लीजिए यहां पर एबीसी मोहन भाई के 2 किल हैं, एबीसी बिल्लू भाई के यहाँ पर 2 किल हैं, और भाई भाई रोल के 5 किल हैं भाई, आरएक्स की टीम वेल प्लेयर भाई काफी अच्छा खेले, आरएक्स एन के 4 किल हैं भाई, प्रोबी की टीम भी भाई काफी अच्छा खेली है, प्रोबी शॉप भाई के 6 किल हैं, तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर कराएं, क्योंकि ब्रो आप ही का फायदा है, हम रोल पास का गिव अवे रखेंगे जितनी जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं हम आपको अगली स्ट्रीम में कल की 9 बजे की स्ट्रीम में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।